सोमवार की देर शाम शामली एसएसपी अभिषेक झा ने जनपद के कस्बा कैराना में पहुंचकर पुलिस बल को साथ लेकर सुरक्षा की दृष्टि से कस्बे में भ्रमण करने के साथ साथ नगर में जगह जगह अतिक्रमण कर यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों पर कार्यवाही करते हुए इस अवैध अतिक्रमण को हटवाने के साथ साथ इन लोगों पर जुर्माने की कार्यवाही भी की। एसपी की इस कार्यवाही से नगर में अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया तथा लोग तेजी के साथ अपना अवैध अतिक्रमण स्वयं ही हटाते नजर आए। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की देर शाम शामली एसपी अभिषेक झा कैराना कोतवाली पहुंचे तथा कोतवाली से फोर्स को साथ लेकर नगर का पैदल ही भ्रमण किया। इस दौरान एसपी ने दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों को कड़ी फटकार लगाई तथा आगे से अतिक्रमण न करने की हिदायत देते हुए पुलिस द्वारा एसपी की मौजूदगी में ही अतिक्रमण को हटवाया गया। इस दौरान सड़क पर बेतरतीब तरीके से खड़ी एक बस व पिकअप गाड़ी का पुलिस द्वारा चालान भी काटा गया। इसके बाद एसपी का काफिला आगे बढ़ गया। इस दौरान पुलिस बल द्वारा सड़क पर कई संदिग्ध बाइक सवारों को रोककर उनकी तलाशी भी ली गई तथा कई वाहनों के कागजात भी चेक किए गए। अपने भ्रमण के दौरान एसपी द्वारा क्षेत्राधिकारी व कोतवाली प्रभारी को मुहर्रम की 10 तारीख के मद्देनजर क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी अभिषेक झा ने बताया। देखिए, सामान्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से और इसके अलावा जो भी मतलब स्थानीय दृष्टिकोण से भी निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्राधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधार के लिए जो है इस विषय में कार्रवाई की जाए और लोगों को भी मतलब इस विषय में थोड़ा अवेयर कराया जाए। अभी जो फ्लैग मार्च में एक फोकस ये भी था कि जो सफेद पट्टियाँ बनी रहती हैं मुख्य सड़कों तो उसके अंदर की तरफ जो लेन को कवर करके गाड़ियाँ कई बार खड़ी रहती हैं तो उनके चालान किए जाएँ और ये इंश्योर किया जाए कि जो मुख्य मार्ग पब्लिक के चलने के लिए है वो खाली रहे। इस उद्देश्य से फ्लैग मार्च